हे गाइस, सो वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि हम लोग सिटी पैलेस में घूम रहे थे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो हमने वहीं कट कर दिया था। तो अभी इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इसका प्लान ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए, क्योंकि तब थक गए थे तो रूम पर आ गए थे। रेस्ट करके थोड़ी देर बाद फिर से जा रहे हैं। तो अभी हम लोग होटल में हैं और प्लान कुछ ऐसा है कि अभी यहाँ से बोटिंग के लिए जा रहे हैं पिचोला लेक, और पिचोला लेक में बोटिंग करेंगे और फिर शाम को डिनर। के मज़े बोटिंग कर रहे हैं हम लोग। और ये देखिए, जो लास्ट वीडियो में आप सिटी पैलेस देख रहे थे ये वही है। और अब हमने बोटिंग स्टार्ट की है। कल एक में बोटिंग होती है, पूरा राउंड करवाते हैं, सिखाते हैं। काफ़ी बढ़िया है एक्सपीरियंस। गाइज, ये है आपका पिचोला लेक, जो अभी हम बोट राइड कर रहे हैं इस पिचोला लेक में। और ये साइड में पूरा लेक पैलेस, इधर आपका जग मंदिर, और इसके अलावा इसमें ताज पैलेस भी है। ये अभी आपको दिखेगा ताज पैलेस, ये एक 5-स्टार होटल है जो इसके अंदर ताज पैलेस है, बीचों बीच बिल्कुल पिचोला लेक के अंदर। और बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस है अगर आप फैमिली के साथ हो तो। और सबसे अच्छा टाइम है इसमें बोटिंग का, राइड का मज़ा लेने का, शाम का जब सनसेट हो रहा है। तो आप लोग देख ही रहे हो सनसेट का टाइम है, अभी अराउंड 4:30 बज रहे हैं शाम के, 4:30 से 5 के बीच का टाइम है। और बिल्कुल ऑरेंज सनसेट हो रहा है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। ठंडा पानी है, बिल्कुल क्लियर पानी है। सो ये जो पिचोला लेक है, ये नेचुरल लेक है। आसपास की ट्रिब्यूटरीज, छोटी छोटी नदियाँ, नहर, और वहाँ से पानी है, लोकल पानी आ रहा है। आजकल तो इसमें लोकल पानी भी आता है। सो अब पीने लायक है कि नहीं है इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, कोई स्मेल नहीं है, बढ़िया। आप आराम से यहाँ राइड के मज़े ले सकते हैं शाम को फैमिली के साथ। और यही पिचोला लेक एरिया में आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और व्यू चारों तरफ बहुत अच्छा है, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं। उदयपुर में तो एक्चुअली में उदयपुर है ही माउंटेन्स एंड लेक से पूरा घिरा हुआ। तो आप देख ही रहे हो वीडियो में कि आपको दिख रहे होंगे माउंटेन्स, और ये बीच में लेक है पूरी। तो ये सब कुछ है कुछ पिचोला लेक में। और काफ़ी पुरानी लेक है, अराउंड 300 AD के टाइम की ये लेक है। पहले इसको वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता था, सप्लाई के लिए, बट आजकल ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन रह गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जग निवास और जग मंदिर दो जगह हैं। जग निवास वो है जो आपको लेक पैलेस जो बना हुआ है वो जग निवास है, और जहाँ महाराजा रहते थे उदयपुर के, तो वो लोग, उनकी फैमिली अभी भी रहती हैं, बट अभी वो लोग एक्टिव नहीं हैं, वो अपना लेक पैलेस में रहते हैं। इसके अलावा दूसरा है जग मंदिर, ये भी एक रेस्टोरेंट टाइप में लोग घूमते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। तो ओवरऑल ये सब है पिचोला लेक के अंदर जग मंदिर, ये जो सामने आप देख रहे हो पूरा वाइट कलर का। और ऊपर ये देखोगे, मैंने थोड़ा जूम किया, ये है करनी माता का टेंपल। और ये करनी माता का टेंपल कल चलेंगे हम लोग, तो रोप वे का भी रास्ता है और बाय स्टेयर्स भी जा सकते हो। तो स्टेयर्स काफ़ी लंबा है तो वो थोड़ा मुश्किल है जाना, तो अपन लोग चलेंगे रोप वे से और बोटिंग के मज़े ले रहे हैं। और ये कुछ यहाँ का है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। और ये जग मंदिर है, तो जग मंदिर आप ऐसे मत कन्फ्यूज़ हो कि कोई मंदिर है, मंदिर नहीं है, इट्स अ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर आते हैं लोग, कुछ खाते पीते हैं, इन्जॉय करते हैं, क्योंकि ये मिड ऑफ दी पिचोला लेक है। और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, सनसेट का टाइम है और कितना अच्छा व्यू आ रहा है। कैमरा पता नहीं जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। हाय फ्रेंड्स मेरा नाम है एमजी। मेरे पापा की वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।